नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीजे बार वाले ट्रक ड्राइवर पर। सो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग हम इधर से करते हैं स्टार्ट। देखिए, अभी हम अपने गांव में ही खड़े हैं, तो हमारी गाड़ी का बैटरी डाउन हो गया है और एक बैटरी तो उधर हिमाचल में चेंज किया था, मालूम ही होगा आपको, और एक बैटरी इधर आते आते डाउन हो गया। तो इधर सोच रहे हमारे गाँव में ही बैटरी का दुकान है, उधर से अभी ले रहे बैटरी नया। देखिए, ये रहा बैटरी, खोल रहा है ये बंदा, देखिए चेक कर रहा है। ऋतिक, ये हमारा ऋतिक है। डेट लिख रहा है ऊपर, तो चलिए अभी इसको ले चलते हैं, लगाते हैं गाड़ी में। और कूलर भी ले आया हूँ नया में, वो पड़ा है। देखिए, उसके बाद वो भी फिटिंग गाड़ी में करवाना है, इसलिए मैं बैटरी चेंज करवा रहा हूँ, क्योंकि ये बाद में बैटरी का कोई टेंशन ना रहे, डाल दे नया, एक तो डाला ही है। देखिए, ये पुराना बैटरी हमारा खोल के रखा है, ये भी एमरॉन का ही है, लेकिन बहुत साल हो गया, डाउन हो गया ये। और एक बैटरी तो लिया है मैंने उधर से नया हिमाचल में से, एक बैटरी लगा रही है, उसके बाद बैटरी दोनों हो जाएगी कंप्लीट। रेडियो पर देखिए, हाईवे पे ही दुकान है, जेम को बैटरी, जी के बैटरी, गुरु ग्रुप ऑटो इलेक्ट्रॉनिक, ये है हमारा गांव। तो भाई, ये देखिए, ले आए अपना कूलर, अभी पंखा खोल के यहाँ पंखा हटा देंगे और इसकी जगह कूलर आ जाएगा, रख देंगे। देखिए, बंदा भी आ गया, मैकेनिकल फिटिंग करने वाला ऋतिक। चल भाई, पहले पंखा खोल दो। तो भाई देखिए, कूलर हमारा फिटिंग हो गया, स्टार्ट भी कर दिया और ये कंप्लीट है, हवा बवा सब अच्छी दे रहा है। अभी मुझे जाना है भरने के लिए मुंद्रा जिंदाल में, तो अभी मैं जा रहा हूँ इधर से भरने के लिए, निकलूँगा अभी, बस कूलर फिटिंग करवाना था, बैटरी एक डालना था नया। तो फ्रेंड्स, इस बार मैं अभी जा रहा हूँ मुंद्रा जिंदाल में भरने के लिए, मुंद्रा से सीधा भर के जाएंगे कारवार, कारवार जाना है कर्नाटक में। अरे कूलर देखिए, फिटिंग करवा दिया, बहुत अच्छी हवा लग रही है, ठंडी ठंडी। इस साल तो गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, कितनी गर्मी लग रही है, बात ही छोड़ दो गर्मी की थी, तो इसलिए हमने सोचा कि कूलर की फिटिंग करवा दें। और कूलर का रेट आपको बताते हैं, ये कूलर लिया है बीड़ में से, बीड़ में एक स्पेयर पार्ट का दुकान है दीपक मोटर्स, उधर से ही लिया है। अरे कूलर मेरे हमारे को आया है 2500 रुपये में, 2500 में आया है ये कूलर। अगर किसी को चाहिए ये कूलर, 2500 रुपये रेट है कूलर का, तो दीपक मोटर्स बीड़ बाईपास में हाईवे पर ही दुकान है दीपक मोटर्स, उधर से जाके ले ले। और ये उधर से आपको न लेना हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, अगर आपको चाहिए तो मैं कुछ ना कुछ सेटिंग आपकी करवा दूंगा। तो भाई देखिए, अभी घर से निकल गया हूँ मैं, अभी सामात्रा पहुँचने आया हूँ, सामात्रा टोल पर। सामात्रा टोल से पहले ये देखिए टीवी टावर है बड़ा, यहाँ पे राजस्थानी होटल है, राजस्थानी यहाँ भी पहुँच आए। बाड़मेर जोधपुर ग्रुप मारवाड़ी ऑल इंडिया में छा गए हैं। और अभी हाजीपीर का मेला है, और देखिए हाजीपीर के मेले का कैंप लगा हुआ है, क्योंकि हाजीपीर जो पैदल जा रहे हैं यात्रालु बहुत बहुत दूर दूर से यहाँ पे हाजीपीर बाबा की दरगाह पर आते हैं। अरे देखिए, आ गया टोल, और ये टोल तो चालू है, और रास्ते की क्या हालत है वो भी आपको दिखाएंगे इस वीडियो में, क्योंकि टोल रहे चालू है, टोल लेने का चालू है, और ये रास्ता बनाते नहीं है अच्छा, इसकी वजह से मैं वीडियो उतार रहा हूँ, देखना। अभी 91 रुपये का टोल है सिंगल लेना हो तो। और आगे जाएंगे सामत्रा मानुकुआ इधर, तो रास्ते की क्या हालत हो गई है दिखाएंगे वो भी आपको। कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है, बोलने को कोई हाजिर ही नहीं है, सब ऐसा ही सोच रहे हैं, 91 रुपये 91 रुपया दिया, और कुछ हमको अभी करना नहीं है,
या अभी पहुंचा है टोल के पॉइंट पर। क्या रेट है सिंगल का भाई? सिंगल का है 91 रुपया। 91? तो भाई 91 रुपया सिंगल का रेट है। यूट्यूब पे आ जाओगे तुम तो देखिए। इधर टोल की पर्ची कटवा के निकल गया हूँ मैं आगे इधर से। अभी देखना आगे रोड की हालत, टोल क्रॉस की। या देख सकते हैं टोल की जस्ट आगे ही गाड़ी आवाज कर रही है, सुना होगा आपने। गाड़ी पूरी उछलती कूदती हुई जा रही है। ये देखिए पैदल जा रहे हैं यात्रालु आज पीर बाबा की दरगाह पर। ट्रेलर वाला लाइट दे रहा है, कौन है? पहचान वाला है शायद कोई। तो फ्रेंड्स अभी भावेश भाई की फैन फॉलोइंग थोड़ी बढ़ गई है। तो ये तो अपना ही इलाका है, इधर तो सारे पहचान वाले ही होंगे, लेकिन इधर नहीं बाहर भी मेरी गाड़ी को देख के पहचान लेते हैं सभी। तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारी फैन फॉलोइंग बनने के लिए। फैन फॉलोइंग नहीं, आप हमारी फैमिली का हिस्सा हो। तो जो भी मेरी फैन फॉलोइंग है वो मैं ऐसा ही समझ रहा हूँ कि वो भी मेरी फैमिली का हिस्सा ही है। अगर आप लोगों को भी कोई मेरे लायक काम हो तो प्लीज़ मुझे बताना, जो भी मुझसे हो सकता है करूंगा मैं। और ये रास्ते की हालत देख सकते हैं आप, गाड़ी कैसे उछल उछल के जा रही है। और ये है मतिया देव वाले, देखिए जय भी हमारे झंडे। ये देखिए रास्ते की हालत, हाँ कैसे उछल रही है गाड़ी। अभी पहुंचा है सामतरा गांव में। हमारे कच्छ में एसोसिएशन है तो ज्यादातर एसोसिएशन की गाड़ियां इस रोड से जाती है, जो भी खान पे भरने जाती है गए माता कमड़ उमरसर, वही गाड़ी ज्यादातर इस रूट से निकलती है। तो एसोसिएशन वाले भी कुछ नहीं बोलते हैं इनको कि भाई ऐसे रोड का क्यों टोल ले रहे हैं आप, अगर आपको टोल ही लेना हो तो रास्ता अच्छा बनाइए ना, इतना ही कोई कहने को तैयार नहीं है। देखना बहुत बड़ा खड्डा बन गया है। ये देखिए ये देख सकते हैं आप, वो गाड़ी देखिए कार एकदम साइड में से निकल रहा है वो भाई, कितना बड़ा खड्डा बन गया है ये देखिए। ऐसा ही है, इधर भी कोई अच्छा नहीं है रास्ता, देख भी सकते हैं आप। ये पेचिंग बनाया है रोड की साइड में, पेच किया है ये।
से दो साल तक ऐसे ही चलेगी गाड़ी तो टूट जाएगी गाड़ी पूरी। चालीस पचास लाख रुपए की गाड़ी खरीदे और इधर आके तोड़ दे। देखिए कैसे गाड़ी हिल रही है। अभी आगे मानकुआ तक ऐसा ही है रास्ता, तो मैं फुल वीडियो बनाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए यहाँ पे ब्रेक कर रहा हूँ वीडियो को मैं। तो कृपया करके जो भी बड़ा अधिकारी हो, अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा हो कच्छ का बड़ा अधिकारी, तो प्लीज़ इस हाईवे के बारे में ज़रा सोचे और आपसे कुछ हो सकता है तो एक्शन ले। तो भाई अभी हम पहुँचे हैं मानुकुआ गांव में। मानुकुआ गांव में से जाते हैं सिटी अंदर से, क्योंकि यहाँ से शॉर्टकट रास्ता निकलता है। तो यहाँ पे बड़ी गाड़ियों के लिए तो नो एंट्री कर दी है, लेकिन फिर भी हमारा गाड़ी इधर का ही है तो हमारे लिए दे छोड़ देते हैं, हमको रोकते नहीं है यहाँ पर। और यहाँ के मेरे एक सब्सक्राइबर है, मेरे फ्रेंड है, उनकी स्वीट की दुकान है, तो उन्होंने मुझे बहुत बार कॉल किया है कि भावेश भाई आप मेरी दुकान पे आओ, लेकिन उन भाई से मिलने का टाइम ही नहीं मिलता है। एक दो बार आया था मैं तो भाई को कॉल भी किया था, लेकिन मैं जब इधर आता हूँ तब वो भाई नहीं होते हैं। तो भाई कपिल भाई हिरानी नाम है उनका, तो मैं उनका नाम भी भूल गया था, मोबाइल में फ़ोन नंबर सेव किया है मैंने, मोबाइल में जाके देखा तो फिर नाम याद आया, कपिल भाई हिरानी नाम है उनका। तो उनकी स्वीट एंड फरसाण की दुकान है यहाँ पर, तो उन्होंने मुझे बहुत बार बोला कि भावेश भाई एक बार तो हमसे मिलिए, तो भाई ऐसी बात नहीं है, एक बार आपसे ज़रूर मिलूँगा, लेकिन अभी काम में इतने बिजी रहते हैं टाइम ही नहीं मिलता है। घर पे आते हैं तो एक दो दिन के लिए घर पे होते हैं, तो वो तो अभी घर के भी हमारे कुछ काम होते हैं, हम भी फैमिली वाले ही है, तो इसलिए ऐसा नहीं है मिल रहा। वो तो कभी हो जाएगा, कभी ना कभी सेटिंग आ जाएगा, क्योंकि मैं भूज अक्सर आता रहता जाता हूँ, तो भूज आते हैं तो मन को आपका बीच में ही पड़ता है, तो कभी होगा टाइम तो ज़रूर आऊँगा आपके पास। तो भाई देखिए मानकुआ क्रॉस करके अभी मांडवी हाईवे पर पहुंचा है, और ये देखिए मांडवी हाईवे रोड पर कोई टोल बॉल नहीं है, फिर भी ये देखिए रास्ता कितना अच्छा रास्ता है, भुज से मांडवी हाईवे टोल बॉल कुछ नहीं। और एक हमारा रास्ता है भुज से नखत्राणा हाईवे, उस रोड पर टोल भी है, फिर भी रोड कैसा तो देखा ही होगा आप लोगों ने। और ये मांडवी हाईवे पर कोई टोल बॉल नहीं है, एकदम प्लेन पॉलिश रोड। तो भाई देखिए जिंदाल की पार्किंग में मैं पहुंच जाया हूँ 5 बजे। ट्रांसपोर्ट CCI में एंट्री करवा दी, अभी नियम यहाँ से चेंज कर दिया, हेलमेट दे रहे हैं ट्रांसपोर्ट वाले, तो उन्होंने बोला है 20 मिनट के बाद गेट पे जाना मेल आ जाएगा आपको। देखिए जिंदाल का पार्किंग। तो फ्रेंड्स देखिए मुंद्रा जिंदाल में एंट्री करवा लिया हमने अपनी गाड़ी की, एंट्री हो चुकी है और गाड़ी यहाँ पे रात तक शायद लोड होगी। तो ठीक है चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो का करते हैं इधर ही एंड, मिलते हैं अगली वीडियो में। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मेरी वीडियो देखने के लिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।